नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए 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 वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला लगन वालों के लिए, लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए 14 जनवरी 2022 से लेकर के 12 फरवरी 2022 तक की मंथली प्रिडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रिडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके देखेंगे, उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं, अगर यहाँ पर 7 अंक लिखा है तो आपका तुला लगन है, लिब्रा असेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं तुला लगन वालों के लिए। सबसे पहले 14 जनवरी 2022 को प्लेनेट कहाँ कहाँ प्लेस्ड थे इसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तुला लगन वाले जातकों के फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इसके बाद इनके सेकंड हाउस में वृश्चिक राशि में अपनी स्वयं राशि में मंगल ग्रह केतु ग्रह के साथ गोचर करेंगे। इसके बाद इनके थर्ड हाउस में धनु राशि में शुक्र ग्रह गोचर करेंगे। इनके फोर्थ हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में सूर्य और बुध ग्रह के साथ गोचर करेंगे। इसके बाद इनके फिफ्थ हाउस में कुंभ राशि में गुरु ग्रह गोचर करेंगे। इनके सेवेंथ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके एट्थ हाउस में वृषभ राशि में राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं। इनके 9th, 10th, 11th और 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद बात करते हैं प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर, जैसे जैसे ट्रांजिट में प्लेनेट आगे मूवमेंट करेंगे उसका क्या रिजल्ट वे प्रदान करेंगे इसके विषय में। सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करते हैं। सूर्य ग्रह 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य ग्रह का यहाँ पर गोचर तुला लगन वाले जातकों के लिए, सूर्य ग्रह उनके लाभ के लॉर्ड होकर के, इनके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 4th हाउस से गोचर करेंगे, जो कि शत्रु राशि में गोचर करेंगे। इसके साथ साथ शत्रु प्लेनेट के साथ गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर तुला लगन वाले जातक देखेंगे कि उनके जो लाभ की स्थितियां हैं, जो लाभ उन्हें प्राप्त होने थे, उन लाभों में कुछ डिले होगा। इस प्रकार की स्थिति यहां पर देखी जा सकती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो तुला लगन वाले जातक हैं उनके मदर और फादर की हेल्थ के लिए भी कुछ केयरफुल रहना चाहिए। उन्हें हेल्थ रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। अगर पिछले समय से उनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम बनी हुई थी तो इस समय अंतराल के अंदर उन्हें टाइम टू टाइम से डॉक्टर से कंसल्टेशन लेते रहना चाहिए ताकि उनकी हेल्थ बेहतर बनी रहे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर तुला लगन वाले जातक देखेंगे कि उनके घर के अंदर का माहौल एक अजीब सी एनर्जी लिए हुए होगा। घर के अंदर एक एनर्जेटिक माहौल या इगोइस्टिक किस्म का माहौल घर के अंदर का होगा। सभी सदस्यों के अंदर ईगो का बढ़ जाना, इस प्रकार की चीजों को आप महसूस करेंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जब तुला लगन वाले जातक हैं उन्होंने जो भी कुछ फिक्स अमाउंट है उनका वह उनका घर इत्यादि के ऊपर, कोई व्हीकल इत्यादि के ऊपर खर्ची हो सकता है, वह भी इस समय के अंदर इनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके साथ साथ जो घर से संबंधित कुछ चीजें हैं, घर, व्हीकल, पेट्स, अगर आपने पेट्स पाले हैं तो उनके ऊपर भी आपका धन कुछ मात्रा में खर्ची हो सकता है, ऐसा यहाँ पर प्लेनेट बताते हैं। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 5 दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल ग्रह यहाँ पर आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। मंगल ग्रह आपके सेकंड और आपके सेवेंथ हाउस के लॉर्ड होकर के आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि ये जो प्रेडिक्शन है यह 14 जनवरी से है और अभी यहाँ पर 15 जनवरी तक मंगल ग्रह गोचर करेंगे। मंगल ग्रह यहाँ पर 14 और 15 जनवरी दो दिन और गोचर करेंगे, तो यहाँ पर मंगल का होना आपने पिछले समय में देखा ही होगा कि आपको आपके स्पाउस के माध्यम से कुछ धन की प्राप्ति हो पाना, कुछ आपका नेम फेम बढ़ना, इसके साथ साथ अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का लाभ भी आपने प्राप्त किया होगा। और यहाँ पर आपने एक चीज देखी होगी कि आपको आपकी वाणी की वजह से आपके कार्यों के अंदर डिले होना, कार्यों में ऑब्स्टेकल लगना, कार्यों में कुछ परेशानी आना, ये सब आपने फेस किया होगा। अगर आपने पिछले समय में अपनी वाणी पर कंट्रोल रख करके कार्य किया या अच्छी वाणी का प्रयोग करके आपने कार्यों को पूर्ण किया है तो इस समय अंतराल के अंदर आप समझ सकते हैं कि ठाकुर जी कृपा आपके ऊपर बनी रही, जिसकी वजह से आपके सभी कार्य आसानी से या ये कहें कि निर्विघ्न पूर्ण हो गए। अब इसके पश्चात जैसे ही
16 जनवरी 2022 से 25 फरवरी 2022 तक मंगल ग्रह धनु राशि में आ जाएंगे। अब मंगल ग्रह 16 जनवरी से अपना स्थान परिवर्तन करके ये यहाँ पर आपके थर्ड हाउस में विराजमान हो जाएंगे। तो अब ये यहाँ से गोचर करेंगे, इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आपका धन किसी न किसी प्रकार से ट्रेवल के ऊपर खर्ची होगा। इस समय अंतराल के अंदर आपको यात्राएं करने का सुख प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप अपने स्पाउस के साथ या अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ यात्राएं करेंगे। अगर आपका मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य है तो आप इस समय अंतराल के अंदर यात्राएं करके यात्राओं के माध्यम से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय आपको आपके सिबलिंग्स के माध्यम से भी कुछ लाभ प्रदान कराने वाला होगा, इस चीज का भी आप ध्यान रखें। ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की दृष्टि की। जब मंगल ग्रह की चतुर्दृष्टि 1, 2, 3, 4 जब मंगल ग्रह की चतुर्दृष्टि आपके सिक्स हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर अगर आपने किसी से ऋण लिया था पिछले समय में तो इस समय अंतराल के अंदर वो ऋण आप चुकता कर पाएंगे, वो ऋण आप उतार पाएंगे, इजीली आपका ऋण उतर जाएगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आप किसी से ऋण ले लेते हैं, लेने की आवश्यकता पड़ जाती है तो बहुत सोच समझ करके, कोई बैंक इत्यादि से लोन लेते हैं तो बहुत सोच समझ के बहुत कम से कम मात्रा में लोन लेकर के कार्य करने का प्रयास करें। अदरवाइज इस समय अंतराल के अंदर लिया हुआ लोन या ऋण काफी लंबी अवधि के लिए टेंशन का कारण बन सकता है। इस समय अंतराल के अंदर आपका अगर कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कोई मैटर है वो भी यहाँ पर शूट आउट होता दिखाई देता है, जिसके अंदर आपको लाभ की प्राप्ति हो जानी है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आपके जो एनिमीज हैं वे इस समय में आपसे दूर हट जाएंगे, उनका आप पराभव कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर आपके मंगल ग्रह बताते हैं। इसके बाद जब मंगल ग्रह की सातवीं दृष्टि आपके नाइन्थ हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको यात्राएं करने से, कोई रिलीजियस ट्रेवलिंग हो सकती है, लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है, या एजुकेशन के लिए आप किसी लंबी दूरी की यात्रा करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, इसका आप लाभ प्राप्त करेंगे। और इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको जो आपके स्पाउस के भाई बहन हैं, अगर आप मैरिड हैं, स्पाउस के जो भाई बहन हैं उनका भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। इस समय में आप धर्म कर्म के कार्यों को करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब मंगल ग्रह की आठवीं दृष्टि 7, 8 आठवीं दृष्टि जब आपके टेंथ हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आप अपने कार्य व्यवसाय में बहुत अधिक हार्डवर्क करेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होकर के कार्य करेंगे, आप दिन को रात, रात को दिन एक करके कार्य करेंगे ताकि आप अपने कार्य व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर पाए। ये भी समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय में जो भी आप हार्डवर्क करेंगे उस हार्डवर्क का आपको तुरंत पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होता रहेगा। हार्डवर्क जितना आप कर पाएंगे उतना ही आप अपने नेम फेम को, अपने व्यापार को, आप इसके माध्यम से चीज़ों का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए कुल मिलाकर के बेहतर रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह 29 दिसंबर 2021 से 6 मार्च 2022 तक मकर राशि में गोचर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 14 जनवरी 2022 से 3 फरवरी 2022 तक अप्रोक्सीमेटली 21 डेज के लिए बुध ग्रह रेट्रोगेट हो गए हैं मकर राशि के अंदर। तो बुध ग्रह का यहाँ पर रेट्रोगेट होना, और बुध ग्रह आपके नाइन्थ और आपके ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड होकर के आपके फोर्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर जो तुला लगन वाले जातक हैं वे देखेंगे कि अगर उनका एब्रोड में कोई कार्य पेंडिंग था, अगर एब्रोड जाने का उनका मन है, एब्रोड जाने का कोई कार्य पेंडिंग था तो वह कार्य इस समय अंतराल के अंदर वे कर सकते हैं। एब्रोड नहीं जाना है अभी, केवल एब्रोड जाने का जो डॉक्यूमेंटेशन का कार्य है उसमें प्रयास करना है जिससे कि आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो पाए। परंतु इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपका जो भाग्य है, आपका भाग्य पूर्ण रूप से आपको साथ नहीं दे पाएगा। आप देखेंगे कि आपके कार्यों में आप प्रयास तो कर रहे हैं परंतु रिजल्ट नहीं आ रहा है, परंतु ये कार्य करने का समय है। आप इस चीज को ऐसे समझें कि अब इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कार्य करेंगे तो आने वाले समय में उसका रिजल्ट प्राप्त होगा, हैंड टू हैंड रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा क्योंकि अभी प्लेनेट रेट्रोगेट होकर के आपके थर्ड हाउस से जा रहा है। इस समय अंतराल के अंदर आप यात्रा इत्यादि अगर करेंगे तो यात्राओं के अंदर भी आप
का कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अधिक बातें करने का आपका रुझान रहेगा, इस प्रकार की चीजों को आप नोटिस करेंगे। इसके बाद 3 फरवरी 2022 के बाद से लेकर के 6 मार्च 2022 तक जब बुध ग्रह डायरेक्ट हो जाएंगे मकर राशि में, उस अवस्था में आप देखेंगे कि आपका फॉरेन से रिलेटेड जो भी कार्य पेंडिंग था, जिसके लिए आपने हार्डवर्क किया था, उसके अंदर गति आएगी और वह कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको आपके भाग्य से अच्छे घर का सुख प्राप्त होना, आपके अच्छे, अगर आपने कोई पेट्स पाल रखे हैं तो पेट्स के साथ साथ आप आनंद से समय व्यतीत कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपका आपके माता पिता के साथ कोई कम्युनिकेशन हो जाना, बेहतर कम्युनिकेशन हो जाना, अच्छे व्हीकल का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर समय बताता है। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए गुरु ग्रह का यहाँ पर गोचर, गुरु ग्रह आपके थर्ड और आपके सिक्स हाउस के लॉर्ड होकर के आपके फिफ्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय काल के अंदर जो तुला लग्न वाले जातक स्टूडेंट हैं, ये अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और अगर तुला लगन वाले जातक इस समय काल के अंदर किसी हायर एजुकेशन के लिए एब्रोड या अपने सिटी से बाहर जाना चाहते हैं, तो इस समय काल के अंदर ये बाहर जा पाएंगे, या ये कहें कि बाहर से एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे। जाना भी ना हो तो कम से कम बाहर से एजुकेशन ऑनलाइन के माध्यम से, जिस प्रकार से आप सभी ने और हमने देखा पेंडेमिक में कि सभी लोगों ने ऑनलाइन कार्य किया, तो ऑनलाइन एजुकेशन भी ली है, तो उस प्रकार से आप ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से कोई एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे, इसका लाभ आपको प्राप्त होता दिखता है। इसके साथ साथ जो तुला लग्न वाले जातक हैं, पिछले समय में वे संतान के लिए कंसीव कराना चाह रहे थे, परंतु संतान कंसीव नहीं हो पा रही थी या संतान सुख उन्हें नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो इस समय अंतराल के अंदर वे संतान के लिए कंसीव करा पाएंगे, संतान का सुख उन्हें यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ जब बात करते हैं गुरु ग्रह की दृष्टि की, जब गुरु ग्रह की पांचवी दृष्टि, 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि जब आपके नाइन्थ हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है आपको हायर एजुकेशन के लिए अगर आप एब्रोड जाना चाहते हैं तो आप जा पाएंगे, या किसी न किसी प्रकार से आप एब्रोड से एक हायर एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ तुला लगन वाले जातक वैसे तो पहले ही वे धार्मिक विचारों के होते हैं, धर्म कर्म से रिलेटेड होकर के कार्य करते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, बैलेंसिंग नेचर इनका होता है, सभी कार्यों के अंदर ये बहुत जल्दी बैलेंस बना लेते हैं, तो यहाँ पर भी ये धर्म के कार्यों में रिलेट करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो तुला लगन वाले जातक जो ज्यादा जिनकी ज्यादा है और उनके ग्रैंडसन की इच्छा है या ग्रैंडसन के साथ अपना समय स्पेंड करने की इच्छा है, तो इस समय काल के अंदर वे अपने ग्रैंडसन का सुख प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर समय बताता है, उनका लाभ ये प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की सातवीं दृष्टि की। जब गुरु ग्रह की सातवीं दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय काल के अंदर आप यदि कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी को परचेज कर पाएंगे, अच्छा समय है प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप अपने अच्छे मित्रों का सुख प्राप्त कर पाएंगे, अगर आपका कोई फ्रेंड एब्रोड रहता है तो इस समय अंतराल के अंदर आप उससे कोई अच्छे एडवाइस प्राप्त करना, उससे कोई अच्छी बातचीत आप कर पाएंगे, अच्छा कम्युनिकेशन के माध्यम से कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप कोई फिक्स अमाउंट करना चाहते हैं, आरडी एफडी इत्यादि इंश्योरेंस पॉलिसी का इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं, तो उसमें आपको करने से लाभ प्राप्त होगा, ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके बाद जब गुरु ग्रह की नवी दृष्टि 7 8 9 नवी दृष्टि आपके लगन पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आप एक धार्मिक विचारों के आप हो जाएंगे, पूजा पाठ इत्यादि करना, धार्मिक अनुष्ठान करना, दान पुण्य इत्यादि करना, इन सब चीजों के अंदर आपकी रुचि बढ़ेगी। इसके साथ साथ आपको पैसा बिजनेस के आइडिया, क्योंकि तुला लगन है, बैलेंसिंग नेचर है इनका, और बैलेंस जो है तुला जो है यह व्यापारी की एक राशि है, व्यापार के पास ही तुला होता है, तराजू होता है, तो इस समय अंतराल के अंदर आप व्यापार के माध्यम से भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा साइन यहाँ पर बताता है। ये समय आपके नेम फेम के लिए भी अच्छा समय रहेगा। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 30 दिसंबर 2021 से 27 फरवरी 2022 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु यहाँ पर
19 दिसंबर 2021 से 28 जनवरी 2022 तक अप्रोक्सीमेटली 41 डेज के लिए शुक्र ग्रह रेट्रोगेट हो गए हैं। देखिए शुक्र जो है आपका फर्स्ट हाउस और आपके एट्थ हाउस का लॉर्ड होकर के आपके थर्ड हाउस में रेट्रोगेट हो गया है इस समय काल के अंदर, जो कि आपका रूलिंग प्लेनेट भी बनता है और आयु का कारक भी बनता है। इस समय काल के अंदर आपके कार्यों में डिले होना, अगर कोई यात्रा आप करना चाह रहे हैं तो 1 से 2, 2 से 3 दिन के ऊपर वो पोस्टपोन हो सकती है। मार्केटिंग में, मार्केटिंग इत्यादि के कार्यों में अगर आप इन्वॉल्व रहते हैं तो इस समय काल के अंदर हो सकता है आपको ज़्यादा हार्डवर्क करने के पश्चात कुछ ऑर्डर इत्यादि या कुछ मार्केट से आपको लाभ की प्राप्ति हो पाए, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ आपको आपकी हेल्थ के लिए भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। इस समय काल के अंदर आप अपनी हेल्थ के अंदर कुछ वीकनेस महसूस करना या अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे, या एक तरीके से आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं कि आप कार्य करना चाहते हैं परंतु आपका शरीर, आपका आपकी बॉडी आपको साथ नहीं दे पा रही है कि आप कार्य को उठ करके तुरंत कर पाए। इस प्रकार की स्थिति ये यहाँ पर आपकी बनेगी जो कि 28 जनवरी तक रहेगी। 28 जनवरी के बाद जैसे ही यहाँ पर धनु राशि में शुक्र ग्रह डायरेक्ट हो जाएंगे तब आप देखेंगे कि आपको एक अच्छी यात्रा का सुखीय प्रदान करेंगे। यात्रा करने से आपको लाभ प्राप्त होगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपके हेल्थ रिलेटेड जो भी कुछ इश्यू हैं वे एकदम से गायब होते दिखाई देंगे। अगर किसी कारण से आपको कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यू इस समय में आया था इससे पहले के समय में 19 दिसंबर से 28 जनवरी के बीच में, तो वह हेल्थ रिलेटेड इशू भी आपका दूर हो जाएगा और आपकी अच्छी हेल्थ यहाँ पर, अच्छा नेम फेम आप मार्केटिंग आदि के कार्य के द्वारा, ट्रैवल के द्वारा आप अच्छा नेम फेम यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। इस समयांतराल के अंदर आप अपने सिबलिंग्स के माध्यम से भी, कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। तो ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं उन शनिदेव की। शनि ग्रह 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह आपके फोर्थ और आपके फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होकर के आपके फोर्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर अगर आपका अपना घर खरीदने का कोई सपना है, अच्छा व्हीकल खरीदने का कोई सपना है, या आप अपना कोई पेट्स इत्यादि पालना चाहते हैं तो इस समय के अंतराल के अंदर आप वह कार्य को पूर्ण कर पाएंगे, यह समय आपको अपना घर बनाने के लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। इस समय का आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे परंतु इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपके माता पिता की हेल्थ के लिए कोई इशू आ सकता है तो उसके लिए आप केयरफुल रहें तो इस समय का आप लाभ उठा पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि की। जब शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि जब शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके सिक्स हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय काल के अंदर अगर आपका कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उस कार्य में सफलता आपके फेवर में आती यहाँ पर दिखाई देती है। इसके साथ साथ अगर आपके कोई एनिमीज हैं, गुप्त एनिमी हो या आपके उजागर एनिमी हो, वे इस समय काल के अंदर आपसे दूर हट जाएंगे या आप उनका पराभव कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की सातवीं दृष्टि की। जब शनि ग्रह की सातवीं दृष्टि आपके कार्य व्यवसाय के क्षेत्र पर बढ़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपके कार्य व्यवसाय में हार्डवर्क आप करेंगे। इस समय में किया हुआ हार्डवर्क आपको आने वाले समय में, आगामी समय में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा जिसका आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे और आनंद की अनुभूति आप प्राप्त कर पाएंगे। परंतु इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके माता पिता की हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो तुला लग्न वाले जातक हैं उन्हें किसी भी प्रकार से अपने जॉब को या अपने व्यवसाय कार्य व्यवसाय को चेंज नहीं करना चाहिए। अगर इस समय काल के अंदर आप अपने कार्य व्यवसाय को चेंज करते हैं किसी नई जॉब के लालच में या नए व्यवसाय को शुरू करने के लालच में तो ये समय आपके लिए फिर बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक रहने वाला है, क्योंकि जब शनि की सातवीं दृष्टि, इसके साथ साथ यहाँ पर सूर्य की सातवीं दृष्टि पड़ रही है जो कि आपके कार्य व्यवसाय से आपको पृथक कर सकती है, तो इसलिए आप अपने कार्य व्यवसाय को पकड़ करके रखें। और इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको शनि ग्रह की पूजा करनी चाहिए। शनि ग्रह के बीज मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं,
काले उड़द, काले तिल इत्यादि चीजों का आप दान करें। इसके माध्यम से आप अपने कार्य व्यवसाय में निरंतर तरक्की प्राप्त करते जाएंगे। इसके साथ साथ आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आप करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद जब शनि ग्रह की दसवीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 दसवीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर किसी भी कार्य के ऊपर एक फोकस करना, जो फोकस करने की बात होती है आपका फोकस पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपको आपके कार्यों में डिले हो जाना। इसके साथ साथ आप जो भी कार्य करते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ निगेटिविटी का आना कि आप कार्य कर पाएंगे ना कर पाए, इसके अंदर कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, इस तरह की चीज़ों का आपके मन के अंदर एक बाहुल्य हो सकता है। तो इस समय के अंदर आपको इन चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखना है। और जो शनि जी है कि मैंने पूजा इत्यादि बताई है, मंगल की पूजा बताई है, उन पूजा को करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस समय अंतराल के अंदर आप शनि ग्रह के बीज मंत्र का जाप किया करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि चराय नमः, या शनि ग्रह के वैदिक मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम नीरांजन समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम ओम शम शनि चराय नमः का जाप करेंगे तो शनि ग्रह की जो कार्य व्यवसाय के क्षेत्र पर, आपके घर के क्षेत्र पर, आपके कोर्ट कचहरी अगर का अगर कोई मैटर है इसके ऊपर, आपके स्वयं के ऊपर अगर कुछ निगेटिविटी है तो वह कम से कम शांत होगी और आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। ठीक है, राहु ग्रह जब से यहाँ पर आए हैं तब से ये आपके हेल्थ रिलेटेड इशू को शो करते हैं, आपको आए दिन हेल्थ रिलेटेड इशू लगा रहता है। इसके साथ साथ जो आपके कुटुंब के सदस्य हैं या कुटुंब के सदस्यों के द्वारा मिलने वाली पैतृक संपत्ति है उसके अंदर भी ये यहाँ पर ऑब्स्टेकल लगाते हैं। परंतु यहाँ पर इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जो अगर आप मैरिड हैं और आपके स्पाउस के परिवार वाले हैं, आप अपने स्पाउस के परिवार वालों को भी देखेंगे तो वे भी आपके कार्यों के लिए कोई बेहतर रिजल्ट इस समय में प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। परंतु यहाँ पर राहु ग्रह का आना अब अच्छा क्या रिजल्ट देता है, यहाँ पर राहु ग्रह का आना ये आपके आपको अचानक से आपकी पैतृक संपत्ति, इसके साथ साथ आपके स्पाउस के माध्यम से कोई वारसी इत्यादि की प्रॉपर्टी का या संपत्ति, चलाचल संपत्ति का लाभ यहाँ पर प्रदान कर सकता है, इस चीज़ का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपके स्पाउस की जो वाणी है वह थोड़ी सी कठोर हुई होगी, जो आपको हृदय में चुभने वाली वाणी हो सकती है, तो उसके लिए आप थोड़ा केयरफुल रहें, मेंटली थोड़ा सा इग्नोर करके चलेंगे तो आपको लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की पांचवी दृष्टि की। राहु ग्रह की पांचवी दृष्टि जब आपके 12th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपका जो धन है, आपका धन किसी ना किसी प्रकार से आपके स्पाउस के, आपके बच्चों के, आपके किसी रिलेटिव की या आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए कुछ धन आपका मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्ची होना पड़ सकता है। इसके साथ साथ या ये भी हो सकता है इस समय में आप कुछ दान पुण्य इत्यादि करें। देखिए, दान पुण्य की बहुत महिमा पुराणों में, वेदों में बताई गई है। अगर आप दान पुण्य इत्यादि करते हैं तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स जीवन में आते हैं वे अपने आप ही दूर हो जाते हैं, उनसे हम बच पाते हैं केवल दान पुण्य करने के माध्यम से। दान पुण्य की बहुत महिमा बताई गई है। अगर आप कभी वेद या पुराण कुछ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दान पुण्य की कितनी महिमा है। तो ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ एक चीज और राहु ग्रह बताते हैं, अगर आप फॉरेन लैंड पर जाना चाहते हैं इस समय अंतराल के अंदर आप फॉरेन लैंड पर जा पाएंगे और आपका नेम फेम वहां पर बढ़े, वहां पर आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। जा पाए या अपनी कोई सर्विस या अपना कोई प्रोडक्ट वहां पर सेल कर पाएंगे तो आप उसका अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब राहु ग्रह की सातवीं दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है, देखिए राहु में यहाँ से मंगल तो इधर आ ही गए हैं, राहु की जब दृष्टि यहाँ पर पड़ती है तो ये बताती है आपको अचानक से कुछ धन लाभ प्राप्त हो जाना, अचानक से कुछ धन लाभ की प्राप्ति आप कर पाएंगे। इसके साथ साथ अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का लाभ भी आप प्राप्त कर पाएंगे। हो सकता है इस समय में आप कुछ सभी प्रकार के भोजन का आप लाभ यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे, इतना ही मैं कह देता हूँ, पर ज्यादा कहने से क्या लाभ। इसके बाद जब राहु ग्रह की नवी दृष्टि 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि जब आपके घर के क्षेत्र पर पड़ती है तो ये बताती है कि जो आपका घर है, आपका घर है, आपके घर के क्षेत्र में राहु की नवी दृष्टि है, इसके साथ साथ शनि और सूर्य यहाँ पर विराजमान है,
तो ये बताती है कि इस समय अंतराल के अंदर आपको जहां पर भी आप रहते हैं वो स्थान छोड़ना पड़ सकता है, तो उस स्थान को छोड़ना पड़ सकता है, तो उससे बचने के लिए आप राहु और शनि की शांति करें, जिससे कि आपको जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान पर आप और समय तक, कुछ समय तक रह पाए, उस स्थान का आप लाभ प्राप्त कर पाए, ऐसा यहाँ पर राहु ग्रह की दृष्टि बताती है। इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है आप कोई व्हीकल आप यूज करते हो, उस व्हीकल को आप सेल कर दें और कोई बड़ा व्हीकल आप परचेज कर ले, कोई कार या कोई बड़ी महंगी कार आप परचेज कर ले जिसका आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर ये दृष्टि राहु की बताती है। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह की। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए केतु का यहाँ पर गोचर, केतु का आपके सेकंड हाउस में गोचर बताता है आपका जो धन है, जो लिक्विड कैश है, वह अटक अटक के आ रहा है, वह एक फ्लो में नहीं आ रहा है। जितनी आप आशा करते हैं उतना धन आपको समय पर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर राहु की भी दृष्टि बनी हुई है। धन आता तो है, अचानक से आता है और जरूरत पूरी करके चला जाता है। आपके कार्य रुक नहीं रहे हैं, कार्य आप पूर्ण कर रहे हैं, परंतु समय पर धन की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना आपको प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार की स्थिति यहाँ भी बनी हुई है कि समय कुछ समय के लिए और बनी रहेगी, परंतु पहले के मुकाबले जो और जो प्लेनेट यहाँ पर अभी स्ट्रॉन्ग हुए हैं वे बताते हैं कि पहले के मुकाबले चीजें काफी पॉजिटिव हुई हैं जिनमें आपका लाभ हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह की दृष्टि की। जब केतु ग्रह की पांचवी दृष्टि आपके सिक्स हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपका जो भी कोई कार्य, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, या आपने कोई ऋण इत्यादि ले रखा है, या आप कोई ऋण लेना चाहते हैं, तो वह कार्य आप इजीली कर पाएंगे, आपका कार्य आसानी से पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद केतु ग्रह की सातवीं दृष्टि जब आपके एट्थ हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए कुछ केयरफुल रहना चाहिए, अदरवाइज कुछ छोटा मोटा हेल्थ रिलेटेड इशू आ सकता है। इसके साथ साथ आपको विशेष तौर से अपने पैरों के लिए केयरफुल रहना चाहिए, पैर और नाक कान गले की अगर कोई डिजीज आपको है तो उसके लिए तुरंत आप ट्रीटमेंट लें, थोड़ा सा भी ढिलाई ना करें। ये समय आपके लिए बहुत ही केयरफुल रह करके पास करने का होगा, इस समय का आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। इसके बाद जब केतु ग्रह की नवी दृष्टि 7-8 नवी दृष्टि आपके कार्य व्यवसाय के क्षेत्र पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आप जो भी कार्य व्यवसाय करते हैं उसके अंदर गणेश जी की पूजा किया करें, गणेश आराधना आप किया करें। गणेश आराधना करने से आपका कार्य व्यवसाय चलता रहेगा गणेश जी की कृपा से, क्योंकि गणेश जी एक विघ्न हरता है जो विघ्न हर के आपको आपके कार्यों में से पार लगाने का कार्य करेंगे। ये एक उपाय भी हो गया है और आपके कार्य के लिए एक अच्छा साइन भी हो गया है। तो ये था यहाँ से सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत प्लेनेटरी मूवमेंट के ऊपर कि प्लेनेट क्या क्या रिजल्ट देंगे उसके विषय में एक्सप्लेनेशन। इसके बाद बात करेंगे मून के ट्रांजिट के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 14 जनवरी 2022 को वृषभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। देखिए जब चंद्रमा राहु के ऊपर से गोचर करेगा तो ये समय एक प्रकार का ग्रहण दोष यहाँ पर बनता है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आपकी हेल्थ के लिए। इसीलिए मैंने इस टाइम को टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय अंतराल के अंदर आप अपने कुटुंब के सदस्यों से कोई वार्तालाप ना करें तो बेहतर रहने वाला है। इसके बाद जब बात करते हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 यहाँ तक ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इस समय अंतराल के अंदर अगर आप अप्रोड जाना चाहते हैं तो अप्रोड जा पाएंगे। आप धर्म कर्म के कार्यों को इस समय में पूर्ण करेंगे, धार्मिक कार्यों के अंदर आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आप अपने कार्य व्यवसाय में आनंद प्राप्त कर पाएंगे, आपका कार्य व्यवसाय ग्रोथ कर पाएगा, कार्य व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ लाभों की प्राप्ति होना, कोई आरडी एफडी इत्यादि पॉलिसी कोई आप परचेज कर पाएंगे, इंश्योरेंस पॉलिसी हो उसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे, अच्छे मित्रों का सुख आप इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। ये समय आपके लिए लाभदायक रहने वाला है, इसलिए इस टाइम को मैंने गुड टाइम के अंदर काउंट किया है। इस समय सभी प्रकार से आपके लिए लाभदायक, एंजॉयमेंट के लिए, पार्टी के लिए अच्छा रहने वाला है। इसके बाद 23 जनवरी 2022 को जब कन्या राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय अंतराल के अंदर आप अपने धन को किसी न किसी प्रकार से डोनेट करेंगे, दान पुण्य इत्यादि के कार्यों में आप लगाएंगे। इसके साथ साथ आपका कुछ धन आपके स्वयं की हेल्थ के लिए या अपने किसी फैमिली मेंबर की हेल्थ के लिए खर्च करना पड़ सकता है, तो उसके लिए आप केयरफुल होकर के चले। इसके बाद 24-25 जनवरी को 2022 को तुला राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपको आपके
एक मेंटली पीस देने वाला होगा। इस समय में आप अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर खर्ची कर सकते हैं, कुछ धन खर्च करें, आप अपने हेयर स्टाइल के ऊपर कुछ कार्य करें, अपने अच्छी ड्रेस, अच्छे शूज इत्यादि खरीदने का, अच्छा परफ्यूम लेने का कार्य करें। इसके साथ साथ आप अपने आगामी भविष्य के लिए एक प्लानिंग, एक योजना कर पाएंगे। समय आपके लिए सही प्रकार से आनंद देने वाला रहेगा। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि से। जब 26-27 तारीख को कन्या राशि में जब ये 22-23 में चंद्रमा गए थे, तो ये मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है, यहाँ पर मैंने लिखा दिया है। इसके बाद 26-27 जनवरी को जब वृश्चिक राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो इस समय आपको एक प्रकार का ग्रहण योग यहाँ पर चंद्रमा के साथ केतु बनाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो धन है वह रुक सकता है या धन की प्राप्ति में प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने का समय रहेगा। अपने परिवार का आप ध्यान रखें इस समय अंतराल के अंदर, उसमें भी कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद बात करते हैं 28-29 जनवरी 2022 को धनु राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय अंतराल के अंदर आप कोई ट्रेवल का लाभ उठा पाएंगे। अगर आप मार्केटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं तो उसके अंदर आपको लाभ की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है। इसके बाद 30-31 जनवरी 2022 को मकर राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो इस समय में आपके घर के अंदर की शांति या ये कहें दिल के अंदर की एक पीस जो है वह नदारद रहेगी। आप अपने दिल के अंदर शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे, घर के अंदर भी माहौल उथल पुथल वाला रहेगा, आपको शांति नहीं मिल पाएगी। इस प्रकार का समय यहाँ पर रहेगा। किसी ना किसी प्रकार से हो सकता है आपके मदर फादर की हेल्थ के लिए कोई इशू आ जाए, तो उसके लिए आप केयरफुल रहें। अगर उन्हें कोई डिजीज है तो उसके लिए ट्रीटमेंट समय समय पर कराते रहें तो लाभदायक रहेगा। इसके बाद 1-3 फरवरी 2022 में इस समय में आप कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय को मैंने गुड टाइम में काउंट किया है। इस समय में आप देखेंगे आपके पास धन का आवागमन होना, और यदि तुला लग्न वाले जातक संतान के लिए कंसीव कराना चाहते हैं तो ये समय उनके लिए बेहतर रहने वाला है। इस समय में आप ये संतान के लिए कंसीव करा पाएंगे, और इस समय में जो तुला लग्न वाले जातक स्टूडेंट हैं वे अच्छी एजुकेशन का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अच्छी एजुकेशन के माध्यम से वे अपना नेम फेम बढ़ा पाएंगे, और जो तुला लग्न वाले जातक हैं वे अपने संतान के माध्यम से कुछ नेम फेम और धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अच्छा समय है इनके लिए। इसके बाद 4-5 फरवरी 2022 को जब मीन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो इस समय अंतराल, इस समय को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। ये समय आपको थोड़ा सा टेंशन दे सकता है, कोई मानसिक दबाव आपके ऊपर आ सकता है, कोई धन से रिलेटेड कोई दबाव, कोई ऋण से रिलेटेड कोई दबाव आपके ऊपर आ सकता है, तो उसके लिए केयरफुल रहने का समय है। इसके बाद 6-7 फरवरी 2022 को मेष राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय आपको आपके स्पाउस के साथ आनंद से रहने का होगा। आप अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ आनंद से समय व्यतीत करेंगे। समय आपके लिए सही प्रकार से उत्तम रहने वाला है। इसके बाद 8-9-10 फरवरी 2022 को वृषभ राशि से अगेंस्ट जब दोबारा से चंद्रमा राहु के ऊपर से गोचर करेंगे, तो ये समय फिर से एक प्रकार का ग्रहण योग यहाँ पर बनाएगा, जिसकी वजह से हेल्थ रिलेटेड इशू आने की संभावना रहेगी, तो उसके लिए आप केयरफुल रहें। इसके बाद 11-12 फरवरी को मिथुन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय में आप अपने अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने स्पाउस के भाई बहनों के माध्यम से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप धन कर्म के कार्यों को करेंगे, कोई लंबी दूरी की यात्रा करने का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। भाग्य का साथ आपको इस समय में मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये था लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए, तुला लगन वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।